हाँ तो यार भाई लोगों, Realme का एक नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Realme 10 की। अब यहाँ पर जो है Realme 10 सीरीज के रिगार्डिंग जो है काफी ज्यादा लीक्स एंड न्यूज़ वगैरह सामने आना स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ही जल्द आपको जो है ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। एक होगा Realme 10 और दूसरा Realme 10 Pro Plus। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तानी मार्केट में Realme 10 लॉन्च किया जाएगा, जो कि आज की इस वीडियो में मैं जो है आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। क्या कुछ आने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। So, भाई सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के हवाले से। तो यहाँ पर जो है डिजाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का रखा गया है। आपको जो है ग्लॉसी बैक देखने को मिल जाती है, पॉली कार्बोनेटेड का मटेरियल यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ग्लास टाइप की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। बॉक्सी डिजाइन है, फ्लैट फ्रेम के साथ में आता है, डुअल कैमरा है, कोई कैमरा मॉड्यूल नहीं लगाया गया है। यहाँ पर सर्कुलर रिंग के अंदर कैमरा सेंसर को लगाया गया है, जिस तरह के आपको रियलमी की सी सीरीज के नए स्मार्टफोन के अंदर डिजाइन पैटर्न देखने को मिल जाता है, सेम वैसा रखा गया है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल का डिजाइन निकल कर आता है। दो कलर्स के अंदर आने वाला है, जो कि आपको पीछे स्टारों से चमकता हुआ डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक ब्लैक और दूसरा पिंक कलर होगा। जहां पर अगर मैं बात करता हूं फ्रंट साइड की, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एक वाटर ड्रॉप नोच वाला डिस्प्ले, जो कि यहां पर जो है ओल्ड स्टाइल है। खैर यहां पर आपको जो है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि 1080p के रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला है। यहां पर आपको जो है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी रखी जाएगी इसके डिस्प्ले के अंदर। सो ओवरऑल जो सारी चीजें हैं वो काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले के हवाले से। हाँ, यहाँ पर अगर पंच होल दिया जाता तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात रहने वाली थी। खैर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ वेरिएंट्स के हवाले से, तो यहाँ पर आपको जो है 6GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल सकता है पाकिस्तानी मार्केट में, या फिर 8GB वाला वेरिएंट भी लॉन्च किया जा सकता है। खैर आने पे पता चलेगा। बाकी यहाँ पर आपको जो है UFS की स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कैमरा के हवाले से, तो ये वाला स्मार्टफोन आपको बैक में डुअल कैमरा प्रोवाइड करता है, जो कि मेन कैमरा 50 MP का है। साथ में आपको जो है डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा, मेन ही कैमरा आपके वर्किंग में आने वाला है। बाकी यहाँ पर फ्रंट में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बाकी हाँ, यहाँ पर जो रियलमी के कैमराज होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, आपको इमेज क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाती है। इनके कलर्स वगैरह, डायनेमिक रेंज, ओवरऑल जो सारी चीजें हैं वो काफी ज्यादा अच्छे से बैलेंस की जाती हैं। सो आपका कैमरा का एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेसर की, तो यहाँ पर यूज किया गया है MediaTek Helio G99 का प्रोसेसर, 6nm की फैब्रिकेशन के ऊपर आता है। पावर एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी, परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा कमाल की है। जी हाँ, मैंने टेस्ट किया हुआ है G99 को, तो आपको जो परफॉर्मेंस वाली साइड से उससे कोई भी यहाँ पर आपको जो शिकायत वगैरह नहीं मिलेगी, आपको जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस गेमिंग के अंदर देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको जो है एंड्रॉइड 12 के साथ में UI Realme UI 3.0 देखने को मिल जाएगा, जो कि Realme का UI काफी ज्यादा स्टेबल है। मैं यूज कर रहा हूँ इसको और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ बैटरी कैपेसिटी के हवाले से, तो यहाँ पर जो है ये वाला स्मार्टफोन आपको 5000mAh की बैटरी के साथ 33W की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है, जो कि अच्छी चीज है। बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर काफी अच्छा दिया गया है, एमोलेड डिस्प्ले है, तो आपको बैटरी वाली साइड से भी कोई शिकायत नहीं रहने वाली। अब यहाँ पर बात करते हैं अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5 mAh जैक, एंड्रॉइड के स्लॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये थे इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो यार इसकी जो प्राइसिंग है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट अगर आता है, तो उसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग 40,000 से 45,000 रुपए के करीब जा सकती है, और जो 8GB वाला वेरिएंट होगा उसकी 50,000 से ऊपर जा सकती है, जो कि अभी अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बाकी आने पर पता चलेगा कि रियलमी इसकी प्राइसिंग को कैसे एडजस्ट करता है। खैर आप लोग बताओ, आप क्या कहना चाहते हो प्राइसिंग के हवाले से, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर मैं लॉन्चिंग डेट के हवाले से बात कर लेता हूं, तो ऐसा बताया जा रहा है कि Realme की जानिब से ये वाला स्मार्टफोन जो है नवंबर के 2nd या फिर 3rd वीक के अंदर लॉन्च किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि Realme प्राइसिंग क्या रखता है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है स्मार्टफोन के हवाले से, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।